नमस्कार मित्रों, शिक्षा साहित्य दर्पण में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग पाठ्यक्रम के प्रकारों के विषय में पढ़ रहे थे, इसके पहले हमने बाल केंद्रित पाठ्यक्रम के विषय में थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त की। आज हम उसके एडवांटेज के विषय में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। बाल केंद्रित पाठ्यक्रम के लाभ, एडवांटेज ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम। जैसा कि हमने पहले के लेक्चर्स में देखा कि बाल केंद्रित पाठ्यक्रम में बालक के सर्वांगीण विकास पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, अध्यापकों का कार्य इसमें कम हो जाता है, बालकों को जो भी करना है स्वयं की रुचि के अनुसार, स्वयं की योग्यता के अनुसार बच्चों को ही सब कुछ करना होता है। इस तरीके से पाठ्यक्रम को डिजाइन किया जाता है। तो इससे लाभ क्या होता है, क्योंकि जो विषय केंद्रित पाठ्यक्रम है, इसके पहले जो मैंने प्रकार बताया वो पारंपरिक था, लेकिन ये आधुनिक है। तो इसमें क्या लाभ होता है, बच्चों को इससे क्या फ़ायदा होता है, उसके विषय में आज हम पढ़ेंगे। पहला है दोस्तों, छात्र कौशल का विकास, अर्थपूर्ण ज्ञान प्राप्त करते हैं। छात्र कौशल का विकास होता है इस पाठ्यक्रम के अनुसार। वे जो ज्ञान को प्राप्त करते हैं वो अर्थपूर्ण होता है और जो जीवन भर उनकी सहायता करता है। दूसरा है, अधिकार और कर्तव्य के संबंध का ज्ञान होता है। बाल केंद्रित पाठ्यक्रम के जो डिजाइन होता है, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम का जो उपागम होता है, उसके द्वारा बालकों को, छात्रों को अधिकार और कर्तव्यों का जो संबंध होता है उसका ज्ञान मिलता है। तीसरा है, अध्यापक का पारंपरिक कार्य कम होता है। इसमें जो विषय केंद्रित पाठ्यक्रम में अध्यापक जो तय करता है, जो पाठ्यक्रम अध्यापक निर्धारित करता है, उस पर ही काम किया जाता है। बालकों की रुचि और योग्यताओं का ध्यान नहीं दिया जाता है, बल्कि इसमें क्या होता है, अध्यापक का पारंपरिक कार्य कम हो जाता है। लेकिन अध्यापकों का पारंपरिक कार्य कम हो जाता है, लेकिन बालक क्रियाशील हो जाते हैं अपनी रुचि के अनुसार। चौथा है, छात्र कक्षा में प्रतिभागिता के लिए सतर्क रहते हैं, क्योंकि बच्चों पर ही पूरा पाठ्यक्रम निर्भर है, इसलिए वो हमेशा उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए हमेशा सतर्क रहते हैं, उत्साहित रहते हैं। पांचवा, विद्यार्थी अधिक स्वतंत्रता से शिक्षण प्रक्रिया में भाग लेते हैं। जो शिक्षण की प्रक्रिया होती है, जो ज्ञान ग्रहण किया जाता है, जो बच्चों को सिखाया जाता है, उसमें वो अधिक स्वतंत्रता से भाग लेते हैं। छठवां, छात्रों के शिक्षण में सुधार आता है। पहले क्या था, विषय केंद्रित में जो सिलेबस है वही पढ़ना है, लेकिन बाल केंद्रित पाठ्यक्रम में उनकी रुचियों के अनुसार सिलेबस बनाया जाता है, जिसके कारण उनके शिक्षण में सुधार आता है। सातवां है, यह कक्षा के हर सदस्य के लिए प्रभावकारी है। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम में जो सिलेबस फिक्स है, लेकिन इसमें क्या है कि हर तरह के बच्चों के लिए पाठ्यक्रम बना होता है, और हर, चाहे वो बच्चा पढ़ने में अच्छा हो या चाहे वो बच्चा पढ़ने में कमज़ोर हो, लेकिन सहभाग सबको करना होता है। आठवां है, ये छात्रों को शिक्षण प्रक्रिया में व्यस्त रखता है। ये जो अध्यापक होते हैं, ऐसे छात्र, उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें कार्य दिया जाता है और उसमें वो व्यस्त रहते हैं। नौवां है, विद्यार्थी स्वयं में आत्मविश्वास को पाते हैं। अगर वो कोई कार्य जो अध्यापक ने दिया है और बच्चे उसे खुद करके दिखाते हैं, तो उनके अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है। दसवां है, इस प्रकार का पाठ्यक्रम कौशल विकास के योग्य है। जो ये बाल केंद्रित पाठ्यक्रम है, इसमें कौशल का विकास अपने आप होता है। यह रचनात्मकता और आविष्कार के लिए प्रेरित करता है। यह एक मनोवैज्ञानिक पाठ्यक्रम है। बाल केंद्रित पाठ्यक्रम एक मनोवैज्ञानिक पाठ्यक्रम है। यह रचनात्मकता और आविष्कार के लिए प्रेरित करता है। बारवा है, इस प्रकार का पाठ्यक्रम अध्यापक पर निर्भर नहीं होता है, बालकों पर निर्भर होता है। तेरवा है, यह छात्र शिक्षा के साथ साथ जो सिलेबस है, जो उन्हें कार्य करना है, जो सिलेबस के अनुसार उन्हें टास्क दिया गया है वो तो करते हैं, उसके अलावा भी
उसमें कौशलों का विकास वो करते हैं इस पाठ्यक्रम के माध्यम से। तो दोस्तों ये कुछ बाल केंद्रित पाठ्यक्रम के लाभ हो गए। अगले वीडियो में दोस्तों हम इनके जो दोष हैं, जो डिसएडवांटेज हैं, दोष हैं, उसके विषय में पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज जो मेरे वीडियो को लाइक देख रहे हैं, कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।